सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी सारी दुनिया नूं अपना दुश्मन भी बना सकदा है।
जे चंगा स्कॉलर बन के चंगे प्रभावशाली बोल बोले तो तुहानू पता भी जिन्हां दे बोलां दे विच ताकत हुंदी लोग स्पैशल टिकटां खरीद के महंगे जिहड़े लैक्चर भी हजार हजार की एक एक बंदा डॉलर की टिकट खरीद के भी उन्होंने ज्ञानवान बोल सुनने के लिए जिहड़ा बंदा तैयार हुंदा ते दुनिया के जिन्ने पैगंबर ने उन्होंने क्रांति भी असल दे विच जुबान नाल बोल बोल के लोगों के अंदर सच का संदेश दे के लियांदी है। इतों तक भी जे कोई क्रांतिकारी बंदा जुबान दे नाल बोले तो सारे देश की हकूमत का तख्ता पलटन की समर्था भी बंदे दी छोटी जी जुबान के अंदर ही अकाल पुरख वाहिगुरु ने रख ली है। दुनिया के अंदर वैसे भी कोई चीज फ्री नहीं जड़ी व्यर्थ नहीं रब ने बनाई। जिवें तुसीं वेखो पिछली बारी कई बारी उदाहरण दिती है भी दुनिया का कोई दरख्त व्यर्थ नहीं है पर उसनू इस्तेमाल करन दी उहदी दवाई बनाण दी उहदे कोल कोई काम लैण दी समर्था बंदे च दिमाग होना चाहीदा है। इसे तरह बंदे की जुबान के विच भी अकाल पुरख वाहिगुरु ने इन्नियां पोटेंशियलिटीज रखियां ने कि बंदे की जिंदगी जिस मर्जी फील्ड के विच बंदा यह जुबान के नाल जे सही इस्तेमाल करे तो वह बंदा बड़ियां 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 प्राप्तियां कर लैंदा है। पर जेड़े बंदियां को जुबान जां बोलण दी ताकत नहीं ना हुंदी गूंगे लोग हुंदे ने उहनां दे दुनिया दे अंदर बहुते लोग मित्र नहीं हुंदे क्योंकि आम जुबान नाल बंदा गल कह के समझा नहीं सकदा हुंदा ते अपने अंदर दे इमोशंस लोकां नाल सांझे नहीं कर सकदा हुंदा। अज दे शब्द दे विच गुरु साहब ने शरीर नूं संबोधन कीता है ते दो गल्लां इहदे विच विशेष तौर ते कहियां गईआं ने। एक गल ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी के हे शरीर तेरे विच अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपनी जोत अपनी सदा अपनी असल विच ताकत तेरे अंदर टिका के रखी है क्योंकि दो ढंग का बंदे का जीवन है। शरीर एक तो मिट्टी का हिस्सा है तुसी वेखो माता पिता दे संपर्क दे विच आण दे नाल बंदे दी इस दुनिया दे विच पैदाइश हुंदी है। फिर जिन्ना खुराक दा हिस्सा है विद्वान कहिंदे ने भावें अन्न है फल फ्रूट है जां कुछ भी है वह मिट्टी दा हिस्सा है। मिट्टी दे विच शरीर पैदा हुंदा ते जिन्नियां पदार्थ दीआं प्राप्तियां वी साडियां ने भावें धन दौलत होवे घर बार होवे बैंक बैलेंस होवे ये सारे नूं वी मैटर शब्द असीं वरत लैंदे हां ते असल दे विच मिट्टी दा ही हिस्सा है। मस्कीन जी उदाहरण दिंदे हुंदे सन ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी दे अंदर भी जिक्र कीता गया भी जिन्नियां प्राप्तियां दुनियावी बंदे नूं खुश भी करदियां ना बाबा रविदास जी दा शब्द है माटी को पुत्रा कैसे नचत है भी बंदा है मिट्टी दा पुतला पर ये सानू नचदा टपदा दुनिया दे अंदर बोलदा वेखदा सुनदा महसूस करदा होया दिसदा ते जिक्र कीता देखा देखा सुनै बोलै ए शरीर है मिट्टी का पुतला चीजा नूं वेखदा ते वेख के उहनूं प्राप्त करन लई आकर्षित हुंदा दिन रात दौड़ ला दिंदा अपनी पूरी वाह ला दिंदा वी माया दा फलाना रूप मेरे कोल आ जाए ते सुनदा भी ए बोलदा भी दौड़ियो फिरदा है ते माया दे पिछे दिन रात दौड़िया फिरदा है ते जब किछ पावै तब गर्व करत है माया की जदों सानू प्राप्ति हो जाए बड़ी खुशी होंदी है। माया गई तब रोवन लगता है जे कोई परिवार का रिश्तेदार विसर विछड़ जाए धन दौलत का नुकसान हो जाए कोई बंदा बुरे बोल बंदे दे लई कह दे ते बंदे की जिन्नी प्राप्ति ना माया के पदार्थों की ये बंदा इन खुशी जरूर कहिंदा है ते विद्वान कहिंदे ने खुशी लाजवंती की वेल की तरह होंदी उन्होंने माड़ा जहा हाथ ही लाए ना तो कुमला जाती तो बंदे की भी ये खुशियां इस तरह जदों चलिया जान फिर सारी जिंदगी बंदे की पिट दू हथड़े मारद रोंद पछताद होनी के चिंता के झौरिया बंदा अपनी जिंदगी कटता है। इस करके मिट्टी के पैदा होया मिट्टी संपर्क से उ चीज दिया प्राप्तियां बंदा खुश होंदा है तो एक दिन जदों इस दुनिया तो जाता है उस समय भी गुरु साहब जी ने बाणी के अंदर जिक्र किया है कि चार दिन अपनी नौबत चले बिताए
वड़े-वड़े दुनिया के राजे करोड़ापति लोग चार कु दिन अपनी नौबत वजा के इतना खटिया गठिया मठिया। वेखो गुरु साहब ने शब्द वरत्या कहिंदे थोड़ी जी मिट्टी जोड़ लईदा जिहनूं असीं बैंक बैलेंस भी कहिंदे आ जां जमीन भी कह लईए जां घर भी कह लईए पर संग ना कछु लै जाए। जदों मरदा है उदों हाथ दोवें चाड़ के जांदा। वड्डा इक वड्डे तों वड्डे अमीर दी भी मौत ते गरीब दी भी मौत। जन्म भी सारियां दा बराबर हुंदा मां दी कोख तों, उस तों बाद ते दुध तों ज्यादा प्राप्ति उदों इच्छा भी नहीं हुंदी ना पता यूज कर सकदा। ते जीवन दा विचला तू सरसर है थोड़े जे साल ते जिद्दण बंदे ने मरना है। करोड़ा पति की भी मौत बंदे नूं बराबर हुंदी है ते एक भिखारी भी, क्योंकि लै के कुछ भिखारी भी नहीं जांदा ते लै के करोड़ा पति भी नहीं जांदा। पर उस जीवन के सिलसिले दे विच गाफल हो के बंदा बहुती वरी अकाल पुरख की नैतिकताई की चंगे गुणा की इंसानियत की परवाह नहीं अपनी जिंदगी च करता। इस करके धर्म ने एक ख्याल दिता है। वैसे नास्तिक लोग तो कहिंदे ने आत्मा हुंदी नहीं, बस जो बंदा मर जाता बस ठीक है। एक मैं बुक पढ़ रहा सी ते क्योंकि अज आत्मा है या नहीं ये बारे नास्तिकां दी दुनिया दे विच बड़ी डिबेट चलती है ते उन्हें एक लॉजिक दिता भी असल दे विच बंदा मैटर का ही हिस्सा है। इहदे विच आत्मा नां दी कोई चीज़ नहीं जिहदा रीबर्थ होवे जां कितरे होर विशेष थां दे उत्ते पहुंचे जां अमर। तो उन्हें दो लॉजिक दिते ने। एक तो लॉजिक है कि बंदा असल दे विच जंदा मरना नहीं चाहता। बंदे नूं बड़ी तकलीफ हुंदी, मौत तों डरदा भी है ते इस करके क्योंकि मौत ते आनी ते है ही, बंदा इहदे तों बच ते कोई सकदा नहीं। इस करके बंदे ने भी सदीवी तौर ते मैं रवां एक अपनी कल्पना नूं दुख थोड़ा जिहा घट महसूस होवे इहने कहना शुरू कर दिता होया भी आत्मा हुंदी जी, शरीर ही कल्ला लड़ना है ते उस तों बाद आत्मा ने ते सदा जिंदे रहना। इह ख्याल बंदा अपने मन च लिया के असल विच अपने आप नूं तसल्ली उह कहिंदा दे रहा हुंदा कि मेरी आत्मा जिहड़ी अमर है, रूह अमर है। ते उहने होर लोकां दा भी कई कहिंदे ने फिर जिहड़ी बाद दे विच भी मिट्टी हुंदी है ते जदों बंदे दी आत्मा निकलदी है अखां हुंदियां ने इह वेख क्यों नहीं सकदियां, जुबान हुंदी है बोल क्यों नहीं सकदी, नक हुंदी है ते फिर सौंह क्यों नहीं सकदी, हाथ पैर कोई काम नहीं करदे हालांकि मिट्टी ते जे मैटर है ते उह ते सारा कुछ हुंदा ही है बंदे दे कोल। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਰੁਕ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਲਾਈਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ H2O, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਜੀਵ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਨਿਰਜੀਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਉਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿਆਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਧਰਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨੇ। ਆ ਹੱਥ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਤੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਦਮ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੈਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੰਗ ਦੂਜੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮੀ ਕਿਉਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਵੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤਰਤੀਬ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮਕ ਫਲਸਫਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਏ ਨਾ ਹੋਤੀ ਬਾਪ ਨਾ ਹੋਤਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਤੀ ਕਾਇਆ ਹਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਕੌਣ ਕਹਾਂ ਤਿਆਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਸਟ ਓਬੀਡੀਅੰਟ ਸਨ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
और ओदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च हरनाकश दुष्ट हर मारिया ओदे लई दुष्ट है हरनाकश लई प्रहलाद तरां है ते प्रहलाद नूं अकाल पुरख दा भगत गया है। एक पासे हिंदुस्तान की सब तो वड्डी उदाहरण भी माता पिता की सेवा करन वाला, पर माता पिता की सेवा तो अगे नहीं उठा, उन्हें मनुखता लई कुछ नहीं किया, इस करके ओदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च नहीं, इंडिविजुअली किस्म का ओदा जीवन सी। भगत प्रहलाद ने अपने पिता के जुर्मां के खिलाफ ते मनुखता के हक के जंग किया है, इस करके भगत प्रहलाद का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी की अमृत बाणी के अंदर है। इसे तरह तुम देखो भगत नामदेव जी का जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी चो बाणी असं पढ़ते हैं, जो माता कहती बेटा राम नाम छोड़ो जियो ले हो पवाए, भी तू राम नाम छड़ दे अपनी जान बचा, तो भगत नामदेव अपनी मां नूं संबोधन करके कहते ने कि ना हूं तेरा पुंगरा ना तू मेरी माई, कि जे रब दे राह दे विच माता जी तुसी दीवार बने ते अज तो बाद तू मेरी मां नहीं ते मैं तेरा पुत्र नहीं। इहदा मतलब माता पिता का सत्कार करना गुरु साहब ने सिखाया, पर जे बिल्कुल धर्म की दीवार दीवार बनते ना धर्म के विच, आ एक धर्मवाद के कोल घटना वापरी किसी विद्वान नाल सांझी कीती सी, कहिंदे ने एक नौजवान वीर ने अमृत छकिया, उहदे पिता ने इस करके उहनूं बेदखल कर दिता भी मेरे नाल बह के शराब नहीं पीना, वेखो मेरी सोसाइटी जिहड़ी मेरे नाल कदी बह के ये बैठा नहीं, उह शराब पीने वाला बंदा, ते उहने अमृत छकिया। ते बड़े लोग ऐसे ने इतों तक भी जो दूसरे धर्मां चों कन्वर्शन हुंदी ना बंदे कन्वर्ट करते हैं तो उदों फिर खास करके माँ प्यो भी त्याग देंगे, फिर भी उदों बंदे ने आप फैसला लेना हुंदा, बड़िआं नाल बापरी जिहड़े सिक्खी धारण की दूसरे मजहबां चों आए तो माता पिता ने उन्हां दी विरोधता की, इतों तक भी जमीन जायदाद तो भी बेदखल कर दिता। इस करके गुरु साहब जी ने इत्थे आके जिक्र किया है हर आपे माता आपे पिता। मैं थोड़ी जी एग्जाम्पल तुहाडे सामने होर, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ना साडियां दुनियावी प्रॉब्लम नूं सोल्व करदी है। आ मद्रास की घटना, एक ब्राह्मण परिवार की हिंदू परिवार की लड़की, वो कहती मैनू मैच देखण दा बड़ा शौक सी, तो मैं सरदार पहली बार कहती हरभजन सिंह नूं मैं देखिया क्रिकेट खेडदिआं, तो एक दिन पाकिस्तान टीम जा रही थी तो उत्थे किधरे गुरु साहब जी के धार्मिक स्थान से दर्शन करदे आ कहिंदी मेरी निगाह पै गई टीवी दे विचों। उस तो बाद मैं सोचा भी सिखां दा कोई धार्मिक स्थान भी हुंदा है गुरु ग्रंथ साहब की, मैं गुरुद्वारा लभना मद्रास से शुरू कर दिता, तो मद्रास तो चाहिए तो सिखां दा तुहानूं पता प्रेम वाला कल्चर तो है ही, सारे नूं प्राण दी गुरु साहब जी ने जिहड़ी सानूं हुक्म कीता होया, तो हौली हौली वह लड़की का इन्ना ज़्यादा प्यार वध्या कि उन्हें पहला तो बाणी पढ़नी शुरू कर दी, हिस्टरी की नॉलेज लई दोवां चौवां महीनों के ही लगातार, जदों पता लगा ना बीबिया ने भी काफ़ी नॉलेज दिती, तो उस लड़की ने अमृत छक के सिंघनी बन गई, वह कह लगी उस तो बाद कहती मैनू दाढ़ी कटे वाला मैनू जरा ठीक ना लगे भी ये गुरु तो जरा बेमुख है, जरा उधरों भी अटैचमेंट खत्म हो गई। तो उस तो बाद जदों ही वह घर गई ना जांदिया सारे पिता ने घरों जरा तंगी करनी शुरू कर दी भी क्यों तू धर्म अपना लिया, कहिंदी मैं दरबार साहब का कदे कीर्तन ला लिया ना टीवी पर, तो मेरे पिता ने कहना भी ये मैंने सरदार स्नेक लगते भी ये बिल्कुल मैं वाइब्रेशन तंग कर दी है इस करके बंद कर, इतों तक भी भैन भरावान ने भी त्याग दिता, तो वह पढ़ी लिखी चंगी होने करके कहिंदी मैं वक्त जिहड़ा अपना मकान लैके रहना शुरू कर दिता, नौकरी करनी शुरू कर दी। असल में जदों इस तरह के हालात पैदा होंगे बंदे ने धर्म के उत्ते स्टैंड लेना होंगे, दुनिया के अंदर कई बार माता पिता रिश्ते नाते दीवार बन सकते हैं, इस करके गुरु साहब जी ने जिक्र किया भी अकाल पुरख ने तेरे च जोत रखी है, ते तेरे शरीर की भी जिहड़ी पैदाइश करने वाला वह अकाल पुरख वाहिगुरू है, इस करके सब तो वड्डा माता ते पिता वह अकाल पुरख वाहिगुरू है, ते उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं माता पिता समझ के जदों उस लड़की नूं असीं पुछना ना भी तुहानूं हुण किस तरह फील हुंदा है, कहिंदी मैं बड़े प्राउड फील करने हां क्योंकि मेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह है,
ते मेरी माता साहब कोरे ते जो बाणी पढ़ा इतिहास तो प्रेरणा ला ते मैनू बिलकुल मेरे अंग संग प्रतीत होंगे ने। इस करके मैनू जिहड़ा कोई भी जिहड़ा जिंदगी दे अंदर गिला शिकवा नहीं क्योंकि मेरे माता पिता मेरे नाल ने। कहण तो मुराद हर आपे माता आपे पिता। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच हर जी माता हर जी पिता हर जी प्रतपालक ओ अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही माता है ते आप ही पिता है। एक जिहड़ा पक ए है। दूसरा इहदी व्याख्या करदिआं होइआं विद्वानां ने जिहड़ा धर्मी बंदे दी ड्यूटी बनती है एक तां ओह सिद्धा अकाल पुरख वाहिगुरु दे अंडर होवे। दूसरा इस पंक्ति तो रिजल्ट यह निकलता है भी असीं सारे रब दे पुत्तर रब दे पुत्तर होण करके साडा सीस केवल रब अगे झुकना चाहिए नहीं तो किसी देवी देवते अगे पत्थर अगे तो गां गधियां ते सप्पां नूं लोक रब समझ के उन्हां अगे सिर झुका रहे सी गंद दीआं रूड़ियां ते बंदे दा सीस झुक रहा सी पंजां तत्तां नूं रब समझ के बंदा मन रहा सी दरख्तां नूं हिंदुस्तान दे विच मन रहे सन कई बंदियां दे अगे बंदे सीस झुका के उन्हां कोलों खैर मंगदे ने। जे असीं रब दी औलाद आ ना ते बाबा फरीद जी बाबा कबीर जी का शब्द है कि जानका ठाकुर ऊचा होई सो जन पर कर जात ना सोई भी जिदा प्यो ऊचा होवे ना वह पराया घर ज्यादा चंगा नहीं लगता। इस करके उस गुरु के सिख या अकाल पुरख वाहिगुरु के सारे ही असं बचे हैं। इस करके गुरु नानक साहब जी ने कहा भी बंदा बंदे अगे ना झुके सीधा रब अगे झुके ते जो दात मंगनी है ओ अकाल पुरख वाहिगुरु को सानू मिलनी है। दत्ता दाता एक है सब को देवन हार गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच क्या सब सुख दाता राम है दूसर नाहिं कोई सारे सुखां दा दाता अकाल पुरख वाहिगुरु राम का मतलब रमिया होया ये रामचंद्र ना नहीं। अज भी तुसी देखो कई बंदियां दा नाम सतनाम हुंदा ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च सतनाम रब दे लई वरत्या गया ते इहदा मतलब इह ते नहीं ना जिहदा नाम सतनाम होके वेखो जी मेरा ही नाम गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच आया। किसी का नाम प्रभु हो सकता है वह बंदा कहे वेखो जी गुरबाणी दे विच मेरा ही नाम वरत्या गया। इस तरह रामचंद्र का नाम अपनी थां ते है पर गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच रब दे लई जिहड़ा राम लफ्ज़ आया है ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च गुरु तेग बहादुर साहब जी कहिंदे ने कि मैं तुहानू क्यों कहना कि अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ही केवल मन्ना क्योंकि सब सुख दाता राम है दूसर नाहीं कोई दूजा कोई है ही नहीं जिहड़ा तुहाडी जिंदगी दे विच सुख पैदा कर सके। जे दूसरे राम दे कोल जाओगे तो रोवै राम निकाला पाया तुसीं भी दुखी रहोगे। जे बंदा एक दुखी आप अपनी जीवन दे विच जिहड़ा सफर कर रहा ते जिसका साहिब भुखा नंगा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए उहदा चेला कित्थों रज। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दीआं पंक्तियां नूं इस करके एक तां इहदा पक्ष है भी असीं उस रब दे पुत्तर हां सारे धीआं पुत्तर हां उस रब तो बिना दाता किसी नूं नहीं मन्ना। तीसरा पक्ष इहदा इसे पंक्ति का क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे ना तीन चार तरीके नाल अर्थ हुंदे ने। एक तो शब्दक अर्थ यह तुसीं सारे तुहाडे कोल मोबाइल ने घरां च जाके यह कोई औखी गल नहीं सारे बंदा वेख सकदा। एक हुंदा इस तों अगे वक्यार अर्थ भी पूरी लाइन दे की अर्थ बनदे ने। तीसरा हुंदा इहदे भाव अर्थ बाणी दा जिहड़ा सिद्धा की कंकलूजन की है। चौथा हुंदा दर्शनार्थ अर्थ ते तुहाडे सामने दर्शनार्थ दा मतलब फिलोसफी की है उहदी ते हुण एक पंक्ति दे अखरी अर्थ ते इहने वी रब ही मां है रब ही प्यो है ते उह अकाल पुरख वाहिगुरु ने सानू रूह दे के आत्मा दे के जगत वेखण दा इह मौका बख्शिश कर दिंदा है। अखरी अर्थ ते केवल इह ने ते इहदे तों फिलोसफी जिहड़ी निकलदी है भी मां प्यो दी की इंपोर्टेंस है ते रब दी पहली फिलोसफी भी असल विच रब दी मां प्यो नालों भी रब दी भगती जिहड़ी उच्ची है मां प्यो दी सेवा नालों। इस करके कई बारी लोग कह दिंदे ने अज भी वह कहिंदे ने माता पिता की सेवा कर लो बस सारा कुछ उहदे च हो गया। नो इह केवल असीं अपने आप नूं जिहड़ा एक दायरे दे विच सीमित कर रहे हुंदे आ। गुरु साहब जी ने बाणी दे अंदर इस तरह तां दुनिया दे अंदर वेखो कई बार गुरुद्वारे के अंदर भी असी अरदासा बच्चे का जन्म होवे ना कई लोग कहिंदे ने जी माता पिता का आग्ञाकारी बनाना
ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਚੋਰ ਹੋਣ, ਠੱਗ ਹੋਣ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਾਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਗਾਡ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਆਫ ਮੈਨਕਾਈਂਡ, ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੇ, ਭਾਵ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਵੀ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਆ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਪਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਈਡੈਂਟੀ ਲਾ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਇਓ, ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਾਤ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮਾਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੁੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਔਲਾਦ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕਰਮੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਲਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰਨ, ਭਗਤ ਭਗੌਤ ਲਿਖਿਆ ਤਿਹ ਉਪਰੇ ਕਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਮਸਕਾਰ। ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਿਖ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੇ ਤਾੜੀ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੱਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਪੋਥੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਲਿਖ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸਲ ਸਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਸਨ
ते जे कोई उस गंगा जल की शराब बनावे, शराब तो बड़ी पवित्र है पर चंगा रब का भगत उन्हूं कदे नेड़े नहीं लगन देता, चंगे बंदे उन्हूं कदे एक्सेप्ट नहीं करते दुनिया के अंदर शराब में। इस करके भगत रविदास जी ने कहा भी गंगा जल तो पवित्र है पर उहदी बनी शराब बिल्कुल नकमी साबित होंदी है। सेम इसे तरह वड्डियां जातां वालियां दे घरां दे विचों जे औलाद माड़ी निकल जाए, कुल जिन्हों असीं खानदान का माण करदे आ ते इहदा मतलब उह दुदकारण योग है। असल विच इत्थे जो गुरु साहब जी कह रहे हैं भी हर आपे माता आपे पिता, जिहदा मतलब सानू सारिआं नूं अहसास करवाया जा रहा है कि असल विच असीं इक रब दे धीआं पुत्तर हां, जात पात नूं खानदान दे हंकार नूं असी हिंदू हाँ, सिख हाँ, मुसलमान हाँ, ईसाई हाँ, यह सारिया दीवारों तोड़ के सानू मनुखता लई एक रब के धियां पुत्र होकर विचरना चाहिए दुनिया के अंदर, सानू चंगे इंसान बन के। इस करके गुरु साहब ने उहदा कारण एक आचार्य रजनीश ने एक होर जिक्र किया, वह कहिंदा गुरु साहब जी तो संसारवादी सन। अज हो सकता तुहाडे नौजवानों के विच भी यह सवाल कदे पैदा हो, फिर उन्होंने नवा एक धर्म जहा क्यों वक्रे कर दिता भी जग लग खालसा रह न्यारा, यह गल क्यों कह दतिया भी नवा खालसा साजिया नवा धर्म इस दुनिया से पैदा किया। हालांकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़िए तो वह तो कहते हैं एक पिता एक सके हमारक तू मेरा गुरु हाई, एक रब दे सी धियां पुत्र हाँ, फिर उन्होंने नवा इज़म क्यों बना दिता जिन्होंने सिखिज़म हूँ कहने, उन्होंने नवी दीवार क्यों खिंच दी। उन्हें बड़ा कमाल की एग्जाम्पल दी क्योंकि सब तो वधिया फिलोसफी जिहड़ी साइंटिफिक जिहदे च कोई रिचुअल्स नहीं सन, कोई सुपरस्टिशियस सोच नहीं सी लोगों को दी गई, जिस करके बिल्कुल प्योर सोच दी गई सी। ये दीवार क्यों गुरु साहब ने खिंची उहदा उन्होंने लॉजिक दिता है, कहिंदा दुनिया के अंदर तुसीं वेखो कई वारी जिहड़े बंदा मैंटली डिस्टर्ब हो जाए उन्हां नूं ठीक करन दे लई पागलखाने बनाए जांदे ने। क्यों उन्होंने पागल बंद उच्च रखा जाता है? क्योंकि उस असल में दूजियां नूं डिस्टर्ब कर सकते हैं दूजियां दी लाइफ में, ते नाले उन्हां दा इलाज किया जाए नाले एक वक्री थान उत्ते ताकि दूजा उन्होंने नुकसान तो बच सकन। कहिंदा दुनिया के अंदर पागल लोग बड़े घट जिहड़े हुंदे ने, सपोज करो भी बड़े सियाने लोग होण उह थोड़े रह जाण ते 95% अबनॉर्मल जां तुसीं वेखो मैंटली अपसेट हो जाण लोग, फिर पागलखाने बनाने की लोड़ नहीं पएगी। जो 95% इस तरह गिनती हो जाए फिर सियाने बंदियां नूं सेव करन दे लई तुहानूं वक्रे जिहड़े अस्थान बनाने पैणगे। तो नो डाउट भी अज तुहाडे अंदर कोई ख्याल पैदा हो सकता क्योंकि बंदा नौजवान कह सकता कि सिख ही सियाने ने कि होर क्यों नहीं, पर पिछला सारा सिखां दा रिकॉर्ड पढ़ के वेखो गुरु साहब जी के नाल जिन्हें जिन्हें चंगे जिन्हां ने 100% गुरु ग्रंथ साहब जी की फिलोसफी नूं अपनाया होया सी, उन्हां दे जीवन दे विच कोई भी कमी नहीं सी, ना तो अंधविश्वास अज्ञानता ही सी ते ना ही वह अपने लिए जींदे सन, सैल्फिश सन, मनुखता लिए जींदे सन, पूर्ण तौर पर 100% समर्पित सन मनुखता की सेवा। उन्हां लोकां नूं इह जिहड़ा पक्का दृढ़ करन दे लई भी कल नूं दूसरे लोग आके उन्हां दी विचारधारा नूं खत्म कर दें, इस करके क्या जब लग खालसा रहै न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा। उन्होंने कहा तुहाडे विचों जाके लोग जिहड़े लोगों का मैंटली तौर पर पदर उच्चा चुकते रहन, उन्होंने बौद्धिक तौर पर ज्ञान देते रहन, तो बाकी जिहड़ा सिखिज़म के दरवाजे सारी दुनिया के लिए खुले सन अज भी खुले ने, तो यो ही विचारधारा नहीं तो तुम दूसरे वेखो सारे मजहबां के लोग एक गल कहते हैं कि जे तुहानूं मुक्ति मिल सकती है रब मिल सकता है तो ही मिल सकता भी साडी फिलोसफी नूं अपनाओ। तुसीं वेखो क्रिश्चन लोगों को पुछो भी कोई गैर ईसाई बंदा भी हैवन च उन्हां दे जा सकदा जां उन्हां दी जीवन सफल हो सकता, वह कभी तुहाडे नाल एग्री नहीं होणगे। इस तरह तुसीं मुसलमानां नूं पुछो किसे नूं वह कहणगे हज़रत मुहम्मद साहब के उत्ते बिलीव करन तो बिना तो कोई बंदा हैवन दे विच जा ही नहीं सकता, परमेश्वर दे विच वह तां दोज़ख दे विच जाएगा। तो हिंदुइज़म की विचारधारा भी कहती पर गुरु नानक साहब की विचारधारा यह गल ही कहती, वह कहते हैं जिथे भी जे बंदा बिल्कुल सुधरिया हुआ वह सिख नहीं। बाबा फरीद जी वेखो मुसलमान सन, पांच वक्त दी नमाज़ां अदा करते सन, बराबर गुरु ग्रंथ साहब च बाणी दर्ज की ना, यह मतलब गुरु नानक साहब
इस गल नाल सहमत ने कि दूसरे थां तों भी बंदा जिहड़ा चंगा साबित हो सकदा। पीर बुद्धू शाह साईं मियां मीर गुरु नानक साहब जी गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाल बड़े मुसलमान भी जिहड़े सहमत रहे ने। इत्थों तक भी धन गुरु नानक गोबिंद सिंह जी महाराज जी नूं पीर बुद्धू शाह जिद्दर मिलण वास्ते आया सी उन्हें कहिंदे ने पहला मत्था नहीं सी टेकिया जदों आया गुरु गोबिंद सिंह जी नूं तो वेखदा रहा क्योंकि मुसलमान वीर अज भी बड़े कट्टर हुंदे ने। मैं सिंगापुर जां होर इत्थों तक वेख्या भी जदों साडे ते नौजवान जिथे मर्जी जाण कबर ते भी मत्था टेक देणगे बुतां नूं भी टेक देणगे पर मैं मुसलमानां दे विच इक खास गल वेखी है वो दूसरे के धार्मिक स्थान से आम बंदा जिहड़ा उहनूं जिहनूं फिलोसफी का पता है वह मत्था नहीं टेकदा ते उन्हें भी जदों ना टेकिया ना गुरु साहब जी कहन लगे असल दे विच तैनूं मत्था टेकण दी इस तरह लोड़ नहीं पहला तू समझ भी किसे अगे मत्था टेकना है भी सिद्धांत की ने असी अपने शरीर अगे मत्था टका के किसे कोल राजी नहीं असल दे विच असी ते प्रिंसीपल्स जिहड़े सारी मनुखता दे लई जरूरी ने उहना ह्यूमन राइट्स जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच बयान कीते गए ने ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਇਹਦਾ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ क्योंकि सारी दुनिया एक है एक रब के असीं धीआं पुत्तर हाँ साडे जात पात कुल नज़र रंग यह फलाने रंग का बंदा है वह विदकरे जदों आ जाते हैं उदों असीं गुरु नानक दे सिख नहीं रह सकते हो सकता सोसायटी सानूं प्रवान करे मां प्यो प्रवान करन ते साडी जात वाले कहण भी ठीक है जी बंदा अपनी जात नूं सपोर्ट कर रहा है पर असल विच गुरु साहब जी की फिलोसफी सारी वर्ल्ड नूं जिहड़ा एक नज़रिए दे नाल वेखदी हज़ूर कहिंदे ने जिन जियो उपाय जगत दिखाया जिस रब ने सानू जीव पैदा करके साडी आत्मा जगत देखण दा इह मौका बख्शिश कीता है गुरप्रसादी बुझिया गुरु की कृपा नाल मैं संसार की असलीयत नूं बुझिया तां चलत हुआ पता लगा भी इह सारा जगत तमाशे दी तरह इस तमाशे दे विच तुहानूं रोल मिले ने किधरे पुत्तर दा रोल धी दा रोल पत्नी का रोल पति का माता पिता का कुछ समय बाद परदा खिच दिता जाएगा रोल खत्म कर दिता जाएगा इस तमाशे के एक्टिंग खत्म कर दी जाएगी इस करके गुरु साहब जी कहते हैं जिन्हें इस जगत को तमाशा समझा वो समा थोड़ा है मनुखता से परोपकार करने अपनी जिंदगी का सुधार करने के लिए अपने आप को चंगा साबित इंसान साबित करने के लिए इस करके गुरु साहब जी कहते हैं जगत तमाशे की असलीयत को समझ लो बड़े लोग आए हैं बड़े लोग बैड रोल भी प्ले करके गए हैं जे तुसी चंगा करके जाओगे आने वाली हिस्टरी दे विच तुहाडे लोग नसलां तुहाडे जीवन तो लाभ लैंदियां रहणगियां ते जे तुसी अपने जीवन को इस तमाशे के अंदर बुरा रोल प्ले किया तो मिटा तो तुसी दित्ते जाणा है असल विच तुसी जगत की असलीयत को भी नहीं समझ सकोगे जिंदगी इंजॉय भी नहीं कर सकोगे जिंदगी दे विच भी सफर करोगे दुखी होवोगे इस करके हजूर कहिंदे ने कहा नानक सृष्टि का मूल रचिया अंत दे विच हजूर ने कहा सारी सृष्टि का मूल उस अकाल पुरख वाहिगुरु ने रचिया है जोत रखी साडे च जोत रखी है मूलक तौर ते सानू पैदा करन वाला ओ अकाल पुरख वाहिगुरु है तां तू जग में आया शरीर नूं के संबोधन कीता भी हे शरीरा तू केवल शरीर नहीं तेरे अंदर चेतनता आत्मा जोत रब ने पाई है वो जोत सदा लई तेरे कोल नहीं रहेगी ते तेरा वजूद भी सदा लई नहीं रहेगा इस करके ये जिहड़ा जीवन का समा मिलिया है इस समय नूं सफल करना ते उस अकाल पुरख वाहिगुरु की इबादत करनी ये मनुखा जीवन का मकसद है
गुरु साहब जी कृपा करन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।